कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए 2 महत्वपूर्ण नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो दिए थे। इसलिए आज का दिन सभी भारतीय के लिए ऐतिहासिक है। इस दिन को याद करते हुए कांग्रेस कमेटी द्वारा स्टेशन रोड पर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष भी किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई है और इसमें कई कार्यकर्ता शहीद भी हुए हैं। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को यह नारा दिया और देश में क्रांति का संचार हुआ, जिसके बाद लगातार 5 सालों तक आंदोलन चला और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसी का परिणाम है कि देश आज आजादी मना रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बरगलाकर देश की सत्ता पर काबिज हुई है और जिसके कारण देश की स्थिति लगातार खराब हो रही है। ऐसे में अब आम जनता को समझने की आवश्यकता है। आज 9 अगस्त, अगस्त क्रांति, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो मरो के नारे के साथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों ने हर तरह से हमारे देश में जितने भी हमारे आंदोलन हो रहे थे उनको कुचला है। अब हम जो है करो मरो वाले नारे के साथ हमारे देश को आज़ादी दिलाने का प्रण और संकल्प लेते हैं। ये 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के अधिवेशन में तय हुआ। उसके बाद 9 अगस्त को इस नारे को लगाते हुए और 5 साल तक जो है इस आंदोलन को जारी रखा, जिसका परिणाम रहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारे देश के अनेकों शहीद हुए इस आंदोलन के अंदर और उन सब शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम यहाँ इनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह आज़ादी दिलाने में देश को कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान है, कांग्रेस के हमारे महापुरुषों का, उन शहीदों का योगदान है। आज जो सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, उस वो अपना एक भी योगदान अगर दिखा सकती हो, देश की आज़ादी में उनकी कोई सहभागिता हो तो बताएं। आज देश को बरगला के नई युवाओं को जो है वो बरगला के एक दूसरे में भेदभाव, जातियों में और हमारी एकता और अखंडता में जो विखंडन करने के जो प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी आज के दिन हम जो है संकल्पित हैं कि हम जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम किसी भी तरह से हमारे देश की सभी समाज और सभी वर्गों में कोई भिन्नता नहीं हो, इसके लिए सबको साथ लेके चलेंगे। सबके साथ हैं हम और सबको जो है आने वाले समय में समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता हासिल की है वो लोगों को बरगला के की है, ना इनका कोई योगदान हमारी पार्टी के अंदर रहा, हमारे देश के अंदर रहा, ना आज़ादी के अंदर रहा। आज अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों को नमन किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति की शुरुआत की थी। अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा चेतावनी दी गई थी, करो यो मरो का नारा दिया गया था। तो आज ही के दिन हम उन करोड़ों लाखों शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी पर अपना बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।